भगवान श्री राम की भक्ति रस में विभोर और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को कौन नहीं जानता। रामचरितमानस में राम के प्रति प्रेम उनकी अनंत भक्ति को परिलक्षित करता है। हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास का जन्म और जीवनी दोनों ही अति रोचक रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 30 जुलाई सन 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। इसके पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो रोने की बजाय उनके श्रीमुख से राम नाम निकला। फिर क्या होना था, उनके घर का ही नाम रामबोला हो गया। माता हुलसी के निधन के बाद चुनिया नाम की दासी ने 5 वर्षों तक रामबोला का पालन पोषण किया। इसके बाद चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया के बाद रामबोला एकांत अनाथों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गए। रामबोला की ऐसी स्थिति को देख गुरु नरहरियानंद जी ने रामबोले को अपने साथ अयोध्या ले आए और रामबोले का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया। तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में कर दिया गया। रत्नावती बहुत ही सुंदर थी, उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण थी। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अति सुंदर था और वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और अत्यधिक मोहित भी थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनका प्रेम ऐसा था कि लोकलाज के तमाम सीमा लांघ चुका था, जहाँ दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थी जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था और उसी के चारों ओर घूम रहा था। तुलसीदास की पत्नी मोह और उससे जुड़ी हुई एक कहानी बेहद ही प्रचलित है। तुलसीदास का विवाह तो हुआ परंतु अभी उनकी पत्नी का गौना बाकी था। विवाह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गई। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलन की चाह तुलसीदास की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। फिर एक दिन तुलसीदास जी के सब्र का बांध टूट गया और रत्नावली से मिलने निकल पड़े। रत्नावली से मिलन की चाह ऐसी थी कि तेज वर्षा और अंधेरी रात का सुध-बुध भी नहीं रही। एक दिन जब घनघोर बारिश हो रही थी, वह एक उफनती नदी के किनारे पहुंचे तो उनको एक लाश भी लकड़ी का लट्ठा ही दिखाई दे रही थी। उस शव को लट्ठा समझकर उफनती हुई नदी सहारे उन्होंने नदी पार कर ली। जब वह रत्नावली के घर पहुंचे तो रत्नावली के घर की खिड़की से एक सर्प लटक रहा था। उस समय उस सांप भी उन्हें रस्सी की तरह ही दिखाई दे रहा था। वह सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और जब रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए तब उनकी पत्नी ने उन्हें देखकर लोकलाज की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहा, परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहे। इसके बाद रत्नावली बेहद क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली कि तुमने मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम है उसका आधा भी इसने अगर प्रभु राम के लिए होता तो तुम भवसागर पार कर लेते। तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना ने उनके दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दी। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही हो गए। कहा जाता है कि किसी सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें संत तुलसीदास के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती हैं। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की और इसके बाद हनुमान जी की सहायता से चित्रकूट के घाट पर प्रभु श्रीराम ने उन्हें दर्शन दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा संत तुलसीदास की और उनकी पत्नी मोह की। आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। ऐसे सभी आध्यात्मिक और पौराणिक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।